हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो आज हम दोबारा से खेलने जा रहे हैं सिटी स्काईलाइन। आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि हमने हमारी सिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से अपग्रेड किया है। यहाँ पर बनाया है हमने हमारा रेसिडेंशियल एरिया, यहाँ पर ऑफिस जोन, यहाँ पर हमने बनाया है फिर से हमारा रेसिडेंशियल एरिया, और यहाँ पर है हमारा कचरे का डिब्बा, सीमेंट्री मरे हुए लोगों को लाने के लिए यहाँ पर लाशें उनकी यहाँ पर दफनाई जाती है, और इधर बनाया है हमने हमारा इंडस्ट्रियल एरिया, और यहाँ पर हमने हमारा कार्गो टर्मिनल। और यहाँ पे देखो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन हो चुका है इस कचरे के डब्बे की वजह से, तो ये जगह हमने पूरी की पूरी उसके लिए रखी है। और लास्ट एपिसोड की बात करें तो लास्ट एपिसोड में हमने बनाई थी हमारी प्यारी सोलर सिटी। हम पूरी की पूरी एनर्जी अभी नेचुरल तरीके से यहाँ पे प्रोड्यूस करने वाले हैं। ये देखो यहाँ पर हमने हमारी इतनी सारी विंडमिल और यहाँ पे सोलर पावर प्लांट से लेकर हमने सब कुछ जो जो नेचुरल एनर्जी की चीज़ें थी वो सारी की सारी लगा दी है। और यहाँ पर हमने ये बलून का भी लगाया था, चिपर बलून टूर। ये देखो यहाँ पर ये हॉट बलून की तरह है, मतलब यहाँ पे टूर मिलता है इसका, तो ये भी हमने यहाँ पर लगाया था। और ये यहाँ पर हमने गार्डन भी लगाया था, मतलब हमने इधर पूरा का पूरा सोलर सिटी डेवलप कर दिया है। तो सोलर सिटी का तो इधर हम टूर भी देते हैं सोलर सिटी का। ये देखो यहाँ पर अभी घूमने के लिए जा रहे हैं, कोई गार्डन में जा रहा है, कोई सोलर सिटी देखने के लिए जा रहा है। इधर भी देखो हमने बहुत ही सारे प्लांट लगाए हैं सोलर सिटी के, और इधर हमने बास्केटबॉल ग्राउंड भी लगाया। तो इस सिटी में हम कुछ यूनिक बिल्डिंग बनाने वाले हैं, जैसे कि हमारा एक यूनिक स्ट्रक्चर ओपन हो चुका है जिसका नाम है काउंटडाउन क्लॉक। ये एक नया ही फीचर ओपन हुआ है जिसमें हमें एक डिजिटल बड़ी सी क्लॉक मिलने वाली है, और वो क्लॉक लगाएंगे हम यहाँ पर। ये देखो यहाँ पर हमारे प्लॉट की, मतलब हमारे एरिया की बाउंड्री है, ये तो बहुत दूर तक है हमारी बाउंड्री है, देखो यहाँ तक है। तो हमें यहाँ पे अभी बड़ा सा रेसिडेंशियल एरिया बनाना होगा क्योंकि उसकी डिमांड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है। और फिर हम लगाएंगे इधर एक रोड के साइड पे बहुत ही बड़ी डिजिटल क्लॉक। तो चलो करते हैं शुरू। ओके, तो यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं हमारी ये 6 लेन रोड, वो भी डेकोरेटिव रोड वाली, तो इसे हम लाएंगे यहाँ तक। अरे यार ये ज़्यादा पास हो गया मेरे हिसाब से, तो इसे क्या करना चाहिए, हमें थोड़ा सा पेड़ा लेना चाहिए, या ठीक है वैसे जाने दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो यहाँ तक, और ये देखो यहाँ पर हमने ना रेल लाइन भी चाहिए, तो इस रेल लाइन को हम यहाँ पर थोड़ा दूर लेंगे रेल लाइन से इसे, ताकि रेल लाइन को कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो इसके सेंटर में, ओके, तो इसके सेंटर में सर्कल भी डाल दिया हमने, और अभी उस सर्कल को हम चारों तरफ से छाट के फिर अंदर डालेंगे उसके, फिर से 6 लेन रोड से उसे कनेक्ट करेंगे यहाँ तक, और फिर यहाँ से करेंगे हम, ओके। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। इधर हम पूरा का पूरा बनाएंगे हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन, मतलब यहाँ पर पूरी की पूरी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होगी, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के लिए और यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसा कुछ, इसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर, फिर इधर एक लाइन डाल के उसे कनेक्ट करेंगे यहाँ पर। अरे टेढ़ी हो गई है, यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने इस लाइन को भी कनेक्ट कर दिया, इसे काट लेते हैं। अभी थोड़ा बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, और फिर बीच में से एक लाइन डाल के इसे यहाँ पर कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये देखो यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिया फिर से, और अभी यहाँ पर फिर से एक लाइन बीच में कनेक्ट हुआ, मेरे हिसाब से कनेक्ट करना भी नहीं चाहिए हमें, नहीं तो उधर ज़्यादा ट्रैफिक हो जाएगी। इसे करेंगे यहाँ तक, तो देखो यहाँ पर मैंने बहुत ही बढ़िया तरीके से इसको यहाँ पर हमारा लेआउट बना लिया है। अभी हम यहाँ पर जोन डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन, क्योंकि रेसिडेंशियल जोन की बहुत ही ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है अभी। तो यहाँ पर हम हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन बनाएंगे पूरा का पूरा, जो कि आएगा यहाँ तक, नहीं 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 यहाँ पर शायद से हमें नहीं बनाना चाहिए। यहाँ पर हमने हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन, यहाँ पर हमने यहाँ पर उसका वाला लेआउट बना लिया। अभी शायद से वो अभी बनना शुरू हो जाना चाहिए, तब तक हम उसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई का कनेक्शन दे देते। तो हम वाटर लेंगे सीधा यहाँ से,
और वो वाटर की लाइन सीधी जाएगी यहाँ पर, सीधी यहाँ से यहाँ, और पूरा का पूरा एरिया हम इसे कवर कर लेंगे। अभी सीधी बीच में से लाइन डाल के ओके, तो यहाँ पर हमने इसे वाटर कनेक्शन दे दिया। अभी हम देंगे इसे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, और उसके लिए हमें पास क्या पड़ेगा, ये देखो यहाँ से पास थोड़ा ही, मतलब इतना भी नहीं है लेकिन यहाँ से बहुत ही पास लग रहा है मुझे। जब यहाँ पर घर बन जाएगा, ये कनेक्शन अपने आप यहाँ पर जुड़ जाएगा, लेकिन तब तक तो यहाँ से देना ही होगा हमें। ओके, तो हमने इनको इलेक्ट्रिसिटी का भी यहाँ पर कनेक्शन दे दिया है, और देखो इनका काम बहुत ही जोर शोर से बनना शुरू हो चुका है। यहाँ पर पूरा का पूरा हाई डेंसिटी रेसिडेंशियल जोर बनना शुरू हो चुका है। मैं इसको अभी थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, मतलब घर उतनी जल्दी जल्दी बनने शुरू हो जाएंगे। अभी हो चुकी है सुबह, और अब यहाँ पर हमारा रेसिडेंशियल एरिया बहुत ही बढ़िया तरीके से बन रहा है, और एक लाइन तो कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पर। अभी शायद इधर भी अभी जल्दी से बनना शुरू हो जाए। ये देखो इधर भी बनना शुरू हो चुका है। मैंने इनको बिजली पानी का कनेक्शन तो दे दिया, लेकिन हमें अभी यहाँ पर बनाना होगा पुलिस स्टेशन भी इनके लिए। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ये पुलिस स्टेशन। कितना एरिया कवर कर रहा है ये पुलिस स्टेशन, एक बार चेक कर लूँ ज़रा। ओके, जितना आपको ये ग्रीन लाइन दिख रही है ना, उतना एरिया ये पुलिस स्टेशन यहाँ पर कवर कर रहा है। तो इसके लिए हमें ये पुलिस स्टेशन यहीं पर बनाना चाहिए, और फिर इनके लिए देना होगा एक हॉस्पिटल भी। तो हॉस्पिटल एक मेडिकल क्लिनिक बना देते हैं पुलिस स्टेशन के बाजू में इनके लिए। ओ शायद से मेडिकल क्लिनिक भी अभी बन चुका है, इनको अभी मेडिकल क्लिनिक की भी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो यहाँ पर बन चुका है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट, और यहाँ पर बन चुका है हमारा मेडिकल क्लिनिक बहुत बढ़िया तरीके से। और अभी यहाँ पर हमें इनके लिए देना होगा स्कूल, जैसे कि पहले हम बनाएंगे यहाँ पर एलिमेंट्री स्कूल। तो एलिमेंट्री स्कूल हमें मिलेगा यहाँ से, और यहाँ पर हम बना देंगे एक एलिमेंट्री स्कूल। कितना एरिया कवर कर रहा है एलिमेंट्री स्कूल? ओ एलिमेंट्री स्कूल तो बहुत ही कम एरिया कवर कर रहा है, तो इसे एक यहाँ पर बनाएंगे, और दूसरा बनाएंगे हम यहाँ पर। तो इतना सा, फिर भी इतना सा कम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हाई डेंसिटी रेजिडेंशियल एरिया है ना, तो इसके लिए इनको बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है एक सिटी में। और हमारी पॉपुलेशन अभी हो चुकी है 24,000, कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी बाकी है। हो गई हमारी पॉपुलेशन 24,000 अभी कंप्लीट हो चुकी है। और ये देखो भाई, यहाँ पर हमारा एरिया बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पर डेवलप अभी भी हो रहा है, और यहाँ पर कुछ हमें ट्रैफिक की दिक्कत तो नहीं आने वाली। इनकी कचरे की प्रॉब्लम का क्या है, एक बार वो सॉल्व करते। तो ये देखो यहाँ से तो हम इनके लिए कचरे की एक लाइन बना सकते। तो चलो यहाँ पर इनकी कचरे की प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पर एक अंडरग्राउंड लाइन बनाएंगे, जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ से हम छोटा रोड इस्तेमाल करने वाले हैं, जो कि होगा 2 लेन, और इस रोड को हम डालेंगे सीधा यहाँ से, कहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं हम इसे, इधर से ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे इसे। यहाँ से हम करेंगे इसे पेज अप। अरे देखो यहाँ पर हमारा इनका कचरे का प्रॉब्लम भी शायद से अभी सॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसे अंडरग्राउंड रोड कनेक्शन दे दिया है। क्योंकि हम इधर भी वैसा नहीं बना सकते ना, पूरा उनके लिए लैंडफिल साइट अगर हमने इधर डाल दी, तो फिर वही फिर से इधर जैसा पूरा पोल्यूशन हो चुका है, वैसा का वैसा पोल्यूशन इधर भी होने लग जाएगा। तो हम इधर ऐसा नहीं कर सकते। ये देखो यहाँ पर व्हीकल भी आना शुरू हो चुका है, और कौन सी व्हीकल आ रही है एक बार चेक कर लूँ। मेरे हिसाब से तो लैंडफिल की व्हीकल होनी की होनी चाहिए वो, क्योंकि दूसरी व्हीकल तो नहीं आने वाली इस रोड से। ये देखो आ रही है कि ओह ये देखो यहाँ पर कचरे की। अरे भाई बराबर बराबर, हमारा प्लान सक्सेसफुली काम कर गया। तो यहाँ पर तो हमारी 1 लेन शायद से पूरी हो चुकी है। अभी इसको जरा जरा थोड़ा सा इधर लो डेंसिटी रेसिडेंशियल जोन का भी हम इधर प्लान कर लेते, क्योंकि यहाँ पर अगर हमने हाई डेंसिटी बनाया तो फिर वही दिक्कत शुरू हो जाएगी। ओ सुबह भी हो गई, हमने फास्ट कर दिया है, तो जल्दी जल्दी सुबह और जल्दी जल्दी रात हो रही है अभी। तो यहाँ पर हमने लो रेसिडेंशियल जोन का भी यहाँ पर प्लान हमारा
कर दिया है। और ये देखो यहाँ पर बनना भी शुरू हो चुका है। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये इधर तो बहुत ही अच्छी तरीके से काम हो रहा है अभी यहाँ पर। अरे ये बना क्यों नहीं अभी तक? ओह बनना शुरू हो चुका है शायद। ये देखो यहाँ पर भी बनना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर ना हम एक रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पर हम एक रेलवे लाइन का यहाँ पर हम रेलवे स्टेशन बनाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर जगह छोड़ दी है। और यहाँ पर तो हमारा लो रेसिडेंशियल एरिया भी अभी बनना शुरू हो चुका है। और यहाँ पर हम एक दो गार्डन भी लगा देते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर गार्डन लगा सकते हैं। कौन सा लगाएंगे? एक जापनीज गार्डन लगा देते, उसको हम लगाने वाले हैं यहाँ पर एक जापनीज गार्डन। ओ बढ़िया बहुत ही बढ़िया, यहाँ पर लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो चुके हैं अभी। एक ही गार्डन भी खुश हो गए, उनको क्या पता हम अभी भी बहुत सारे गार्डन लगाने वाले। तो और ये बर्थडे प्लाजा लगा देते हैं, उसको हम लगाएंगे। नहीं इधर तो ट्रेन के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा फिर। चलो यही पर लगा देते हैं एक बर्थडे प्लाजा। ये देखो हमने बर्थडे प्लाजा भी लगा दिया, तो कैसा लग रहा है बर्थडे प्लाजा? ओ बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और इसको थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन भी देना होगा हमें। ए मिल तो चुका है इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, फिर क्या हुआ? अरे थोड़ा बजट बढ़ाना होगा इलेक्ट्रिसिटी का शायद से। ए अवेलेबिलिटी तो बहुत है इलेक्ट्रिसिटी की। अरे इनकी लाइन ही कट गई यहाँ पर, मैं वही सोचूं कि प्रॉब्लम क्या हो। हाँ इनकी लाइन जोड़ दी तो ये शायद चालू हो गया। और अभी हमें इस लाइन की तो कुछ ज़रूरत नहीं है फिर यहाँ पर इस लाइन की ज़रूरत नहीं है हमें। वैसे वैसे आटा दे जाएंगे हम, अपने आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन पहुँचने लग जाता है फिर जैसे जैसे। तो यहाँ पर हमने हमारा रेसिडेंशियल एरिया तो बहुत ही अच्छे से बना दिया। और हमारी अभी पॉपुलेशन हो चुकी है 26,000 और हम इंटर हो चुके हैं अभी कैपिटल सिटी में। वाह वाह बढ़िया। तो यहाँ पर हमारा तो हार्बर भी ओपन हो चुका है अभी, और कार्गो हार्बर भी ओपन हो चुका है। मतलब हम अभी यहाँ पर हमारा शिप बनाने का काम भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर मैंने जगह भी छोड़ रखी थी हार्बर की। अरे नहीं 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 नहीं, ये देखो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खराब पानी हो चुका है यहाँ पर। हमें ये देखो यहाँ पर मैंने फिल्टर करने के लिए तो वाटर टर्मिनेटर लगा दिए थे, लेकिन इसे और भी हमें यहाँ पर दो एक वाटर टर्मिनेटर यहाँ पर लगा देने चाहिए, क्योंकि जब हम यहाँ पर हार्बर बनाएंगे तो फिर दिक्कत नहीं आनी चाहिए हमें कि खराब पानी के वजह से यहाँ पर हार्बर बहुत ही ज़्यादा खराब लगेगा। नहीं तो हमने ओवर वाटर टर्मिनेटर लगा दिए, तो शायद अभी से जल्दी से यहाँ पर ये पानी क्लीन हो जाए, फिर यहाँ पर हम हार्बर बनाएंगे। लेकिन हमें अभी बनानी है यहाँ पर बड़ी वाली क्लॉक। तो मैं सोच रहा हूँ कि उस क्लॉक को, डिजिटल क्लॉक को, हम काउंटडाउन क्लॉक बोलते हैं उसको, उसको यहाँ पर लगाए, क्योंकि यहाँ पर आगे हमने उसे ऐसा टेढ़ा लगाया कॉर्नर में, तो भाई एक नंबर लगेगा, एक नंबर। जब क्योंकि आप जब मेन रोड से आओगे तो यहाँ पर क्लॉक लगेगी, यहाँ पर लगेगा हमारा बहुत ही बढ़िया एरिया। फिर इधर हम यहाँ पर सिटी बनाएंगे बढ़िया वाली। तो चलो यहाँ पर हम क्लॉक लगाने का ट्राई करते हैं, और सब कुछ बढ़िया है। यहाँ पर हम उसे डेकोर भी कर सकते हैं थोड़ा, गार्डन वार्डन लगा के। तो यहाँ पर तो हाँ चलो यहाँ पर हो जाएगा, तो हम उसे लगाएंगे यहाँ पर। उधर तो थोड़ी जगह का प्रॉब्लम आ रहा है ना, ये देखो यहाँ पर लगा दिया हमने। और कितनी की? वो 37,000 की है भाई। अरे भाई वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया लग रही है हमारी यहाँ पर क्लॉक। ये देखो यहाँ पर कितना टाइम हुआ है, लेकिन 4:51 हुआ है क्या? क्या पता, एक मिनट टाइम चेक कर लेंगे। अरे नहीं यहाँ पर क्या टाइमिंग दिखाई दे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे कि टाइमिंग क्या है। 1:34:51:34 ये सेकंड है शायद, ये मिनट है और ये हावर है, लेकिन ये क्या है 1:30। चलो होगा कुछ, हमने लगा दिया। लेकिन इनको पानी का कनेक्शन भी देना होगा अभी यहाँ पर, तो इसको देंगे हम यहाँ पर पानी का कनेक्शन। और यहाँ पर हमें इसको देना होगा इलेक्ट्रिसिटी। तो एक काम करते हैं हम इनके लिए ना एक सेपरेट विंड मिल लगा देंगे उसके बाजू में, तो बढ़िया लगेगा थोड़ा सा। उसके बाजू में लगाएंगे ना, ओके। तो यहाँ पर एक विंड मिल भी लगा दिया हमने, और कैसा लग रहा है अभी? अरे अभी तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये विंड मिल चालू क्यों नहीं हुई? क्या हो क्या गया इसको, विंड मिल को? ओह अभी चालू हो गई, शायद से उसे थोड़ा टाइम लगता है। तो इसको डेकोर करने के लिए हम इसके आजू बाजू में थोड़ा सा गार्डन बनाने की ट्राई करेंगे। जैसे कि कौन सा गार्डन बना सकते हैं हम बनाएंगे यहाँ पर वो ट्रॉपिकल जो गार्डन है ना, वो गार्डन बहुत ही बढ़िया लगता है, वो ट्रॉपिकल गार्डन हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। उसका ना थोड़ा जो उसके जो वहाँ पे ट्री है, वो ट्री ना बहुत ही ज़्यादा खुलकर नज़र आते हैं, मतलब ऐसे खुले खुले लगते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो उसे हम यहाँ पर बनाने की ट्राई करेंगे, लेकिन वो मिल जाए जल्दी। कहाँ बने ट्रॉपिकल गार्डन? ओह ये रहा यहाँ पर ट्रॉपिकल गार्डन। अरे लेकिन बहुत ही छोटा लग रहा है ये उसके बाजू में, ये देखो यहाँ पर लगा देते। ये वही है ना, लगा तो दिया मैंने।
ओ वही है वही है वही है, देखो बढ़िया लग रहा है उसके बाजू में। और थोड़ी सी इधर पार्किंग की भी हमें इंतजाम करना होगा इनके लिए। तो क्या करते हैं हम, यहाँ पर ना इनके लिए पार्किंग का भी इंतजाम करना होगा। जो लोग इधर घूमने के लिए आएंगे उनको तो पार्किंग भी लगेगी, तो उनकी पार्किंग के लिए हम यहाँ पर पार्किंग स्लॉट भी डाल देते। तो यहाँ पर हम लार्ज डेकोरेटिव पार्किंग स्लॉट डालने वाले, लोग यहाँ पर पार्क करके सीधा जा सकते हैं फिर यहाँ पर घूमने के लिए आने वाले। ओ लग गया, अरे लेकिन ये पार्किंग स्लॉट लगा कहाँ से है भाई, इसे डिलीट करना होगा। ये सीधा ऊपर चढ़ गया उधर, उसे थोड़ा दूर करके लगाना होगा। एक पार्किंग स्लॉट में हो ही जाना चाहिए, इतना थोड़ी लगेगा उनको पार्किंग। थोड़ा इधर कर लेते, जैसे कि हम अभी इसको यहाँ पर लगा देते। ओके, और कैसा लग रहा है अभी पार्किंग स्लॉट? अरे यहाँ भी बढ़िया लग रहा है थोड़ा, वो पहले बहुत ही ज़्यादा ऊपर हो गया था। और एक गार्डन भी लगा देते। और इनकी इलेक्ट्रिसिटी का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो मिल रही है इसको, फिर इसका प्रॉब्लम क्या है इलेक्ट्रिसिटी का? शायद से विंड मिल बहुत ही कम चल रही है ना, तो और एक विंड मिल लगा देते यहाँ पर। अभी तो चली जानी चाहिए यार इनकी प्रॉब्लम, चली गई शायद। ओ चली गई चली गई। इस वॉच को ना मेरे हिसाब से ना बहुत ही ज़्यादा बिजली लगती है। ये देखो यहाँ पर लोग भी आना शुरू हो चुके हैं घूमने के लिए। अरे क्या नज़ारा लग रहा है लेकिन, ये देखो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। और कितनी विजिटर आ चुके हैं, अरे एक विजिटर आ गए अभी तक, यहाँ पर सिर्फ एक ही विजिटर आया है। चलो और यहाँ पर एक पार्किंग लगा देते हैं। ओके, तो अभी हमने और एक पार्किंग लगा दी यहाँ पर, अभी देखो कैसा लगेगा नज़ारा। बहुत बढ़िया लगेगा जब यहाँ से जाएंगे। ओ शायद से ज़्यादा दूर जाने के बाद दिखती नहीं है वो। तो चलो जहाँ से हम यहाँ पर मेन रोड पे जब जाएंगे, तो ये देखो यहाँ से ये वॉच ऐसे दिखने वाली है हमें, बहुत ही बढ़िया लगेगी। और यहाँ पर हमने गार्डन वूडन भी बना दिया। देखो लोगों का आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। और शायद से हमारी पार्किंग में कितनी व्हीकल आ चुकी है अभी तक, तो एक भी नहीं आई। आएंगे लोग जल्दी जल्दी आएंगे। ये देखो लोग तो यहाँ पर पैदल आना शुरू हो चुके, लेकिन पार्किंग ये क्यों नहीं? अभी रात का सीन देखेंगे इसका कि रात में कैसी लगेगी। ये देखो रात में भाई बहुत ही ज़्यादा चमक है उसमें, बहुत ही ज़्यादा चमक रहा है रात में तो। ये देखो कचरे की गाड़ी भी आना शुरू हो चुका है इधर। इस रास्ते को हम क्या कर देगी यहाँ से, मतलब जैसे कि ये देखो पहले हमने किधर लगाया था वो, ओ ये किधर गया हमारा सिक्स लेन, ये यहाँ पर है ना। इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे डाउन। और तो यहाँ पर मैंने देखो यहाँ पर इसको अंडरग्राउंड भी कनेक्ट कर दिया। मतलब अभी देखो यहाँ पर व्हीकल्स आने के लिए भी थोड़ी आसानी हो चुकी है। यहाँ से मैंने उसको अंडरग्राउंड यहाँ से डाला और यहाँ पर निकाल लिया। लेकिन हमारी यहाँ पर पार्किंग की वाट लग चुकी है बहुत ही ज़्यादा, तो इस पार्किंग को शायद हमें अभी यहाँ से हटा ही लेना चाहिए, क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि इसके अभी यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर व्हीकल नहीं जाने वाली कोई, तो यहाँ पर हमने एक पार्किंग लगाई है। तो और एक पार्किंग हमें यहाँ पर लगा देनी चाहिए, ये झूले को यहाँ से उठा लेते हैं। इसको उठाने के लिए हमें जेसीबी लगाना होगा। ओ देखो तो यहाँ पर हमने एंट्री के बाजू में ही पार्किंग लगा दी, तो अभी थोड़ा सा शायद हो। ये देखो रोशनी भी बहुत ज्यादा है इस पार्किंग में। यहाँ पर अभी जो लोग इधर जाना चाहेंगे घूमने के लिए वो इधर जा सकते हैं। और सीधे के सीधे नीचे देखो यहाँ पर कचरे की ट्रक जा रही है, एम्बुलेंस आ रही है, मतलब जो इमरजेंसी सेवाएं होती है वो सारी की सारी यहाँ पर चालू है। ओह यार इसको इलेक्ट्रिसिटी का शायद कोई प्रॉब्लम आ रहा है, एक मिनट मेरे को चेक करने दो। यहाँ से ना मैं क्या करता हूँ, इनको ना यहाँ से लाइन का कनेक्शन ही दे देता हूँ। जाने दो अभी, ये देखो अभी शायद इसको कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी और बहुत ही बढ़िया लग रही है। तो यहाँ पर देखो लोग अभी देखो पार्किंग इधर बनाने के बाद ना यहाँ पर लोग व्हीकल्स भी पार्क करना शुरू कर दिया है लोगों ने। पहले क्या हो गया था कि उधर पार्किंग चली गई थी, तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था, लोग उधर जा नहीं रहे थे पार्किंग के लिए। तो आज हमने यहाँ पर हमारी बहुत ही बढ़िया वाली काउंट डाउन क्लॉक लगा दी है, और उसे हमने डेकोर भी बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। यहाँ पर ना थोड़ा डेकोर करने में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि फिर ये उधर ढक जाएगी, फिर इधर हम कुछ नहीं बना सकते ना, इसलिए यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। तो बस इधर हमारा रेसिडेंशियल एरिया और भी बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क कर रहा है। किसी को कुछ प्रॉब्लम है क्या?
नहीं प्रॉब्लम तो किसी को नहीं आने वाली। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट गेम प्ले के साथ। गुड बाय।